नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या शादीशुदा लड़कियों का अपने माता पिता के निमित्त, अपने जो मर चुके होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके निमित्त दान करना बनता है, उनके निमित्त कुछ भी यूं कह लीजिए पूजा करना या कुछ भी ऐसा करना जिससे उनको मुक्ति मिल सके, श्राद्ध करना, क्या उनके निमित्त बनता है शादीशुदा लड़की का करना। अक्सर लोग मना करते हैं, कहते हैं कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो पराया किसी और की हो जाती है, और अक्सर लड़कियों को पराया धन माना जाता है कि अब ब्याह दी और उसके बाद वो दूसरे घर चली गई तो वही उसके माँ बाप हैं, और जो मायके में उसके जो असल माँ बाप हैं पैदा करने वाले, तो उनकी तरफ दायित्व बेटे का होगा। पर ऐसी बहुत सी फैमिलीज होती हैं जहाँ बेटा नहीं होता, या अगर बेटा होता भी है तो उसके अंदर माँ बाप के प्रति लगाव नहीं होता। माँ बाप के मरने के बाद उनके निमित्त वो कुछ नहीं करता, ना श्राद्ध करता, ना दान करता है, ना दिया जलाता है, कुछ नहीं करता, उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती भी नहीं करता। तो आप ये देखिए ना, तो ऐसे में माँ बाप जो पितर बन गए हैं और फंसे हुए हैं, यूँ कह लीजिए एक जन्म और के बीच में, ना उनका जन्म हो रहा है और मृत्यु का जो फेस है उनका, वो कटने के बाद जो प्रेत योनि है उसके अंदर तड़प रहे हैं, अपने आप को पितर कह रहे हैं पर उन्हें वो पितर वाली फील नहीं आ रही, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही, क्योंकि उनके निमित्त कोई कुछ कर नहीं रहा। अब बेटा कर नहीं रहा तो आस किससे लगाएंगे, बेटी से लगाएंगे। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस बात में कोई मनाही नहीं है कि शादीशुदा लड़की अपने माँ बाप का कर नहीं सकती। हर लड़की अपने माँ बाप का कर सकती है और उनके लिए दान कर सकती है, उनके लिए कोई भी ऐसी चीज़ कर सकती है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, चाहे पूजा है चाहे दान है। अक्सर पूजा और दान ये दो ही अहम चीज़ें मानी जाती हैं आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए, तो ये दोनों ही चीज़ें वो कर सकती है। ये कोई बैरियर नहीं है कि उसकी शादी हो गई है तो उसका नाता कट गया। ये समाज के खोखले जो लोग हैं उन्होंने ये खोखले रीति रिवाज बनाए हैं कि लड़की पराया धन हो गई तो अभी अब मुड़ के भी अपने मायके नहीं देखेगी, अपने माँ बाप को नहीं देखेगी, भूल जाए अपने माँ बाप को। जो लड़की पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ रही, आधी ज़िंदगी तो रही, पली बड़ी पैदा हुई, वो एकदम कट ऑफ कर दिया, और माँ बाप के मर जाने के बाद तो बिल्कुल ही ये कह दिया जाता है कि अब वो रहे भी नहीं इस दुनिया में, तो तुम्हारी कोई दायित्व उनके तरफ नहीं बनता। और ये गलत धारणाएँ हैं। आप जब बेटे को पैदा किया है माँ बाप ने, तो बेटी को भी किया है, माँ ने बेटी को भी पेट में रखा है 9 महीने, अपने खून से सींचा है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है, उसके नखरे उठाए हैं, उसकी जो है जब वो बच्ची होगी तो उसकी नैपियाँ बदली हैं, हर वो कष्ट सहा है जो बच्चे को पैदा करने के बाद से बड़ा करने तक का होता है। तो कोई भी लड़की यूं करके पल्ला झाड़ ले कि मैं तो दूसरे घर में ब्याह गई हूँ, मेरा क्या बनता है, तो ये मतलब ही पना है, ये नाशुक्रापना है। अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और आपको लग रहा है कि वो प्रेत योनि में होंगे या तड़प रहे होंगे, या पितर भी हैं तो सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके निमित्त दान करो। ये मैटर नहीं करता कि आप शादी हो गई तो आपका रिश्ता दूर हो गया या कट गया या भाई की जिम्मेदारी, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारियाँ हैं। जब लड़कियाँ प्रॉपर्टी तक में आज हिस्सा मांगती हैं, बराबरी की बात करती हैं, तो माँ बाप की सेवा की जब बात आती है तब क्यों लोग पीछे हट जाते हैं। यही लड़कियाँ जीते जी भी अक्सर माँ बाप की सेवा करनी बंद कर देती हैं, और जब मर जाते हैं तो भी ये पल्ला झाड़ लिया जाता है कि ये श्राद्ध करना, दान करना तो बेटे की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी है। तो ये गलत प्रथा है, गलत सोच है। आपको भी अपने माँ बाप के प्रति कुछ ना कुछ दान, कुछ ना कुछ करना चाहिए सत्कर्म, जिससे उनको गति मिले, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, क्योंकि आपको भी उन्होंने वही प्यार, वही तालीम, और सबसे बड़ी बात है दे आर द क्रिएटर ऑफ यू, उन्होंने ही आपको क्रिएट किया है। माँ बाप सबसे पहले आते हैं, ईश्वर भी बाद में आते हैं, क्योंकि सबसे पहले ईश्वर माँ बाप होते हैं जिनको बच्चा देखता है। कहा जाए तो माँ बाप ही ईश्वर हैं, भगवान हैं उस बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी इच्छाओं से लेके उसके पालन पोषण से लेके उसको बड़ा करने से लेके उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने तक माँ बाप ही होते हैं। भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, पर माँ बाप ही वो भगवान रूपी ईश्वर होते हैं जो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो
हर लड़की को ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा आप पर्टिकुलर वो श्राद्ध करो पूरी विधि विधान के साथ, क्योंकि बहुत फैमिलीज होंगी, ससुराल वाले होंगे, नहीं अलाउ करेंगे। आप सिंपली उनके निमित्त दान कर दो। क्या दान कर दो? उनके निमित्त फल दान करिए, आओ गरीबों में फल बांट दो, उनकी कोई फेवरेट मिठाई बांट दो गरीबों में। और जो है उनको ये भी ज़रूरी नहीं कि आप उनकी तस्वीर घर में रखो और वो करो, हो सकता है कि ससुराल वाले आपके ऑब्जेक्ट करें। आप बस उनके निमित्त दान कर दोगे फलों का, मिठाइयों का, बस मन में भाव ले आओ कि मैं अपने माता जी के निमित्त, पिताजी के निमित्त, इनके निमित्त कर रही हूँ दान। और बस या मंदिर में दे दो, किसी और धर्म स्थल पर दे दो। सबसे बेस्ट है गरीबों में बांटो, क्योंकि जिन लोगों का पेट भूखा है उनका जब पेट भरेगा उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, तो आशीष देंगे। वो आशीष आपको तो लगेगा ही, पर जिनके निमित्त आप दिए दान कर रही हो उनको भी लगेगा, जिसमें आपके माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, जिसके निमित्त आप ये दान कर रहे हो। तो एक रूटीन बना लो कि वीकली आप जो है कुछ ना कुछ फल फ्रूट हो गए, मिठाई हो गई, वो दान कर दी। त्योहारों पर दान कर दो मिठाई अपने माता पिता के निमित्त, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, कोई सा भी जना नहीं है तो उनके निमित्त आप दान करो। इससे उनका आशीष आपको मिलेगा, उन पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी, अलाए बलाएं दूर होने लगेंगी, हर तरीके से आपका बचाव होगा। पितरों को कृपा देने के लिए किसी चीज़ का बंधन नहीं होता, बंधन सिर्फ एक चीज़ का आ जाता है, वो होता है कि आप उनके निमित्त कुछ कर नहीं रहे। जब आप उनके निमित्त कुछ नहीं करते तो फिर वो भी किसी भी तरीके से आपकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी असहाय हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पावर नहीं होती। कैसे आती है पावर? सत्कर्म से आती है पावर। जब आप उनके निमित्त सत्कर्म करोगे तो अपने आप उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उनको भी प्राप्त होगा पुण्य के रूप में, और वो उन्हें शक्ति देगा आपको बचाने की, आपको संभालने की। क्योंकि आप नंगी आंखों से भूत प्रेत नहीं देख सकते, आप नंगी आंखों से अलाए बलाए नज़र दोष हाय नहीं देख सकते, टोटके नहीं देख सकते, पर वो देख सकते हैं। और वो ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके मायके में तो ससुराल नहीं आ सकते, आपके बचाव के लिए वो कहीं भी आ सकते हैं, हर वक्त आपके साथ रह सकते हैं, बशर्ते उन्हें शक्ति प्रदान हो। वो शक्ति कैसे होगी? दान से होगी। दूसरा, पूजा करते हो एक माला उनके नाम की कर लो कि ये मैं उनके निमित्त करती हूँ पूजा। और जो है अमावस है, पूर्णिमा है, उस पर उनके लिए खाना निकाल दो। और कुछ नहीं है तो घर में खाना बनता है, दो रोटी सब्जी उनके नाम की रोज निकाल दी, गाय को खिला दी, किसी गरीब को दे दी। पर उनका स्मरण मन में ले आना, उनका ध्यान मन में ले आना, एक अच्छी बेटी की तरह उन यादों को मन में ले आना, जिस भाव के साथ उसको देना, उस खुशी, उस प्यार से भरे हुए भाव के साथ उस रोटी को, उस फल को, उस मिठाई को गरीबों में देना। और याद करना उन खुशनुमा पलों को जो तुमने अपने माँ या पिता के साथ बिताए थे। भले ही उस टाइम तुम भावुक हो जाओगी, पर वो प्यार आत्मा से जुड़ा होगा उनसे, और ये आत्मा से आत्मा को एक श्रद्धांजलि होगी। उनके किए हुए, उनके दायित्व, उन्होंने जो भी आपके लिए किया, उन सब के प्रति। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है जो हम कर रहे हैं, पर वही वाली बात है, जिस तरीके से ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, हमारे पितर, हमारे बड़े बूढ़े जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी भाव के भूखे होते हैं। उनके निमित्त अगर हम सच्ची श्रद्धा और भाव से, मन से कोई भी चीज़ करेंगे तो ज़रूर उनको तृप्ति मिलेगी, और उसका हर तरीके से हमारे को उनकी कृपा मिलेगी, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जो आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जीवन भी सुखद रह सके। तो बेटियों के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई भी बेटी है वो अपने, अगर उनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, उनके निमित्त कर सकती है कुछ भी, और दान करें उनके निमित्त पूजा करें, उनके निमित्त जितना हो सकता है, जितनी श्रद्धा है, जितना बस की है उतना करें। उससे उनको तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। और ज़रूरी नहीं कि आप भाई पे ही सब कुछ डालें, आप भी कुछ करें, आप भी जिम्मेदारी को उठाएं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान है, मेरी धुनी मंगवाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में चलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, सदैव आपकी रक्षा होती रहेगी। आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आप कुछ झेल रहे हो तो, और कुंडली भी बनवा सकते हैं अपनी। आपको सभी कामों के लिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे कॉन्टैक्ट करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।